मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो कल का टॉपिक आप वाकई में एंजॉय किए होंगे। तो हमने कल श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा था, तो थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कल हमने पढ़ा क्या था। मैंने कल आपको साई स्क्वायर साई बताया था। साई क्या होता है मेरा बेटा? हाँ, वेव फंक्शन होता है। जो मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर मान के चलता हूँ, तो वो वेव जैसे घूमेगा और हर पॉइंट पे वो मुझे क्या देगा, एम्पलीट्यूड देगा। और किसी भी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही मुझे क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। और एनर्जी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी को ही हम क्या मानते थे, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स नथिंग बट साइज का। तो ये मैंने कल बताया भी था, तो विच मैं लिख देता हूँ फिर से, विच रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो कल हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एच साई बराबर इक्वल टू ई साई, वेयर ई इसको हम क्या बोलते हैं, आइजन भी बोलते हैं या एनर्जी टर्म भी बोलते हैं। एच मेरा हैमिल्टन इक्वेशन, हैमिल्टन ऑपरेटर था। ठीक है, नाउ साई जो मेरा फंक्शन था, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड आया था आफ्टर सॉल्विंग, तो मुझे ये फंक्शन मिला था एक्स वाई जेड एन एल एम और कुछ ई की वैल्यू पे ये मुझे एक फंक्शन मिला था। सी फंक्शन ओरिजिनल में क्या था, ये मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो मैं उसके वेरिएबल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि इस वेरिएबल के फॉर्म में मुझे वो फंक्शन मिला था। ठीक है, तो एन एल एम क्या होता है बेटा, इसी पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको डिटेल में बताऊं, उसके लिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ जब हमने ये देखा कि एन इक्वल टू वन जब हमने पुट किया, तो मुझे साई का एक ही इक्वेशन मिला था, क्योंकि मैंने आपको याद है आपको कल बताया था कि साई का जो फंक्शन होगा, मतलब ये जो फंक्शन होगा हर इनफाइनाइट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ उन्हीं फंक्शन पे डिपेंड करेगा जिसपे, याद होगा आपको मैंने बताया था साई स्क्वायर डॉट डी वी, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम पे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। आपको याद होगा कि अगर मैं इस क्लास में हूँ तो, और मान लो मेरा उस न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर है, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मैंने माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट कर दूं, तो इस कमरे में तो मुझे ही पता, इसी कमरे में मेरी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे मैं हूं यहां पे, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी ही बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये वैल्यू नो डाउट जीरो से और वन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो यहां का आपको पता है कि एन इक्वल टू वन पे साई की एक इक्वेशन मिली, एन इक्वल टू टू पे साई की दो इक्वेशन मिली, साई वन साई टू, एन इक्वल टू थ्री पे मुझे क्या मिला, साई वन साई टू साई थ्री। तो मुझे तीन तीन इक्वेशन मिली, नो डाउट हर इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन, मतलब एक ही चीज रिप्रेजेंट करता हो, क्या रिप्रेजेंट करता है ये आगे की स्टोरी में आपको मैं समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप बात समझ के रखिए कि n इक्वल टू वन पे मुझे एक इक्वेशन मिला, n इक्वल टू टू पे मुझे दो इक्वेशन मिला, दो इक्वेशन दो चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तीन इक्वेशन तीन चीज को रिप्रेजेंट करेगा, चार इक्वेशन चार चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तीन तरीके से हमने ये चीज देखा था। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो और मैं अगर आपको डिटेल में लेके जाऊं, ये z एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, लेट्स से अगर मैं बात करूं, वेट अ मिनट, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा मान लो न्यूक्लियस है, क्या है मेरा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है लाइक x y एंड z, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x y z। मान लो न्यूक्लियस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है जिसका कोऑर्डिनेट है मेरा x y z। अब देखिए इसी फंक्शन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हमने किया क्या था। ठीक है, लेट मैंने ये माना कि ये z एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। नाउ अगर मैंने सपोज करो क्या किया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, सपोज करो मैंने इसका परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, नाउ यहां से यहां एंगल है थीटा, और सपोज करो मैं बोल देता हूं अगर मैंने इसको लाइन जॉइनिंग किया, ठीक है, यहां से इस पॉइंट का मिरर इमेज यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन जॉइन किया, इसको मैंने यहां से जॉइन किया, नाउ दिस लाइन यहां पे ये फाई बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल फाई। ठीक है, दिस अब समझिए बात को, अगर ये डिस्टेंस आर है,
इफ दिस डिस्टेंस आर, यहां से न्यूक्लियस से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो अगर मैं बात करूं सपोज करो इसका, नाउ आपको क्या करना है एक्स वाई और जेड, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये बात समझ में, आर डिस्टेंस पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है भैया, तो यहां से जेड से बना रहा है ये थीटा, और यही इसी का मिरर इमेज ये बना रहा है फाई, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये फाई बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नाउ नाउ लिसन, अगर मैं जेड की बात करूं, सबसे पहले हम जेड निकालते हैं, तो आपको याद होगा आप थोड़ा बहुत वेक्टर में भी पढ़े हो कि मान लो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाती है बेटा, ये लेंथ आपकी हो जाती है आर कॉस थीटा, तो थोड़ा टेक्निक में बता देता हूँ, बाकी तो आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे अच्छे से ज्यादा, बट यहाँ पे बस मैंने आपको समझाने के तौर पर दिया कि अगर ये थीटा तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाता आर कॉस थीटा हो जाता, ये डिस्टेंस मेरा हो जाता आर साइन थीटा, मतलब ये और ये आर साइन थीटा में लिख सकता हूँ इस डिस्टेंस को भी, मतलब इस डिस्टेंस को मैं आर साइन थीटा, क्योंकि ये बराबर ऑलमोस्ट ये क्या है बराबर है, तो ये r cos थीटा ये r sin थीटा, तो सेम मेथड में यहां पे भी अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा r, मतलब z मेरे लिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, दिस इज द डिस्टेंस x, सॉरी दिस इज द डिस्टेंस x, हां एंड दिस इज द डिस्टेंस y, तो r को क्या लिख सकता हूं, z को मैं क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा, नाउ अगर ये r cos थीटा ये है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है, और ये एंगल से इस पे बना रहा है, तो इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं y को, नाउ आवर x विल बी r sin थीटा इनटू cos phi, क्योंकि ये लाइन इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये मेरा cos हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा sin, तो y मेरे लिए क्या हो जाएगा r sin थीटा sin phi, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये r हो गया तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो r cos थीटा, तो z की वैल्यू मुझे r cos थीटा मिली, नाउ दिस इज r cos थीटा, तो दिस लाइन विल बी r sin थीटा, नाउ ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो नाउ दिस विल बी r sin थीटा एंड cos थीटा, क्योंकि इसके साथ ये एंगल बना रहा है, तो अगर ये r sin थीटा cos थीटा है, सॉरी r sin थीटा cos phi है, तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा sin phi, तो यहां पे हम x y z की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा, ठीक है, नाउ अदर नेक्स्ट थिंग मेरा क्या आ रहा है, सुनो, नाउ मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, डी स्क्वायर एक्स बाय सॉरी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर, जस्ट एक मिनट, ओके, नाउ दिस वाज द इक्वेशन, प्लस 8 पाई एम स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इनटू साई इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन था बेटा, ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो हमने श्रोडिंगर का जो इक्वेशन पढ़ा था बेसिकली, तो ये मेरा जो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, किस पे था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, किस फॉर्म में था बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन को आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब बेसिकली ये जो था एक्स वाई जेड मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं पोलर फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, पोलर फॉर्म में, नाउ नाउ एक्स वाई जेड आर रिप्लेस्ड बाय आर थीटा फाई r theta phi, ठीक है, अब समझ ना बात को, then the equation become जब किसी x y z को आप r theta और phi के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी,
हमें क्लियर तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा हाई लेवल जा रहा है बेसिक्स, बट अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिसका आपने 50% भी समझ गया ना, इट मीन्स आपका आई टी एडवांस तक पूरा क्लियर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बट डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए आप बेसिक चीज समझे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेरा वो फॉर्म होता है जिसमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी एक्स वाई जेड को अगर मैंने आर साइन थीटा कॉस थीटा इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसी एक्स वाई जेड को, तो मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट में। ओके, नाउ अब क्या है, व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड, देन सॉल्व then we get जब x y z को मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, r sin theta cos phi, मतलब सब में x y z की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी, तो नो डाउट मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन मुझे किस फॉर्म में मिलेगा? पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म मिलेगा। तो प्यारे बच्चों बात समझना थोड़ा ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहूँ, जब ये सॉल्व किया गया तो साई का जो फंक्शन मिला वो मुझे तीन पार्ट का फंक्शन मिला, मतलब एक्चुअल में जो साई जो मुझे लास्ट फंक्शन जो मतलब लास्ट इक्वेशन मिला वो एक फंक्शन ही मिला, वो फंक्शन था तीन पार्ट का फंक्शन था। एक था मेरा आर डॉट आर इंटू, एक इक्वेशन है थीटा थीटा इंटू फाई फाई, मतलब ये जो फंक्शन था तीन पार्ट का फंक्शन था। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि साई आपको कुछ इस तरीके से मिला, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस जीरो टू आर प्लस थ्री कॉस थीटा साइन फाइव, मतलब अब मैं एक्चुअली ये इक्वेशन नहीं है बट मैं आपको समझाने के तौर पर मान लो कि मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे मिली, साइन फंक्शन की जो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन मिली वो कुछ इस तरीके से मिली, मतलब एक ये फंक्शन मुझे मिला, एक ये फंक्शन मिला और एक ये फंक्शन मिला, मतलब अगर जो r वाला फंक्शन है सिर्फ स्मॉल r पे डिपेंड करता है, थीटा वाला फंक्शन सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, और फाई वाला फंक्शन सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है, मतलब है तो ये टोटल एक ही फंक्शन बट इसके भी तीन पार्ट है जो अलग अलग पार्ट अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। नाउ अगर मान लो इसी चीज को मैंने साई स्क्वायर कर दिया, ये तो अभी सिर्फ वेव फंक्शन है, साइज का मुझे क्या रिप्रेजेंट करता भैया, मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी को अगर मैंने फिर से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो इट विल यू विल गेट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट जाएगा, इट मींस वो उस पर्टिकुलर मास के लिए वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी होगी। तो साइज का मुझे क्या मिलेगा, सब में स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बिकम फाई स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा स्क्वायर थीटा डॉट फाई स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अगेन ये जो फंक्शन होता है ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। और ये जो मिला इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अच्छा एक बात और, इसको हम रेडियल फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रेडियल फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन है और ये दोनों मिला के हम बोलते हैं एंगुलर फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एंगुलर फंक्शन, ठीक है। और इसको एक स्क्वायर कर दो तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो कंबाइंड में क्या कहलाता है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इनको समझा रहा हूँ, आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि भाई किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की शंका, मतलब आप बेसिक हिंदी में ये बोलते कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दैट्स नथिंग बट साइज का। सपोज करो ये आर है, ये मेरा आर है, तो मान लो इस पॉइंट पे, मान लो ये क्लासरूम है, ये क्या है मेरा क्लासरूम है, स्टूडेंट मेरे लिए क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट मेरे लिए क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, मैं न्यूक्लियस हूं, क्लासरूम मैं न्यूक्लियस स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने r r लेंथ में मैं गया तो मान लो इस पॉइंट पे मुझे कहीं एक स्टूडेंट मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी,
जीरो से ज्यादा होगी वन से कम होगी, सपोज करो 0.9 हुई, ठीक है। अब मैं ऐसे 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 घूम रहा हूं, तो मतलब ये क्या हो रहा है, एक एंगल में घूम रहा हूं, तो दैट इज थीटा, आर और थीटा, आर और थीटा। अब बोलोगे फाई कैसे होगा, अगर मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा, देखो ये पूरा 3D स्पेस कवर कर रहा है, ये पूरा मुझे क्या कवर कर रहा है, 3D स्पेस कवर कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां पॉइंट, जहां जहां मुझे ये मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वहां वहां मैं क्या करते रहूंगा, उसको डॉट बनाते रहूंगा। समझना थोड़ा ध्यान से। आपको कल याद होगा कि मैंने प्लास्टिक बॉल का एग्जांपल दिया था, कि प्लास्टिक बॉल है होलो स्फीयर का, जिसमें एक मक्खी है। प्लास्टिक बॉल मेरे लिए क्या हो गया, प्लास्टिक बॉल मेरे लिए क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलिए। हाँ वेरी गुड, प्लास्टिक बॉल मेरे लिए हुआ आउटर सरफेस पूरा, इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब यह है कि आउटर सरफेस मो, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा वो मेरे लिए, वो मेरे लिए क्या हुआ, फाइनल बाउंड्री हुआ न्यूक्लियस सेंटर में। और मक्खी जो इंसेक्ट जो अंदर था वो मेरे लिए हुआ इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर से थोड़े दूर पे प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी, उससे और पास में जाएंगे न्यूक्लियस के पास तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा और दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो। तो ऐसे जब मैंने जब टोटल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी किया था, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको कितनी मिलेगी, वन मिलेगी। इससे मैं उस एरिया के अंदर मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, बट आप कंफर्म तब भी नहीं रहोगे, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहे हो, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपने ये कर लिया होगा, ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। सपोज करो ये क्लासरूम है, एक और अनदर एग्जांपल लेके समझाता हूं, तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो। मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी से ही आपको समझाता हूं, ठीक है, दोनों दोनों का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि ये क्लासरूम है, मैं न्यूक्लियस स्टूडेंट, मेरे लिए क्या है इलेक्ट्रॉन है, स्टूडेंट फाइंडिंग मतलब इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो इस डिस्टेंस आर डिस्टेंस में गया मैं, ठीक है, तो मुझे 0.25 मिला, ऐसे गया 0.35 मिला, ऐसे गया 0.25 मतलब 0.99 मिला। मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा मैं वहां वहां क्या करते जाऊंगा, डॉट करते जाऊंगा, ठीक है, बात समझना। जहां जहां इलेक्ट्रॉन मुझे मिला मैं वहां डॉट करते जाऊंगा, लेकिन आर डिस्टेंस में मिलेगा। अगर मैं आर से ज्यादा बढ़ गया, मतलब क्लास, इस क्लासरूम का लेंथ कितना है, रेडियस कितना है, आर है, इस आर से ज्यादा बढ़ गया, क्या बाहर के क्लासरूम में आपको स्टूडेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हो सकता है और डिस्टेंस मैंने थोड़ा बढ़ाया तो हो सकता है आपको दूसरा क्लासरूम मिलेगा, हो सकता है आपको दूसरा क्लासरूम मिलेगा, तो डिस्टेंस बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, हो सकता है। आपको याद होगा मैंने बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, हो सकता है दूसरे क्लासरूम में जब आप पहुंच जाओगे और रेडियस के साथ, हो सकता है वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो सकता है। क्यों, आप जस्ट इमेजिन करो, आप एक क्लास में हो, बगल में दो क्लास है, उसके बगल में तीन क्लास है, बात समझ रहे हो ना, क्या बोले, पहले फ्लोर में एक क्लास है, दूसरे फ्लोर में दो क्लास है, तीसरे फ्लोर में तीन क्लास है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो क्लासरूम के, आर जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है एनर्जी बढ़ते जाएगी, एनर्जी बढ़ते जाएगी, इसका मतलब यह होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएगा। और एक बात और समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि मैंने आपको जैसे ये पॉइंट बताया कि मान लो सेंटर में तो आपका क्या है, थोड़ा मैं आपको इसको कलरफुल से समझाता हूँ। सेंटर में आपका है न्यूक्लियस, सेंटर में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। समझने की कोशिश करना, मुझे सपोज करो ये कुछ आर डिस्टेंस पे मिला, ठीक है। अब जनरली ये जो हम जो फंक्शन कंप्यूट करते हैं, ये बेसिकली बेटा डायरेक्टली आप पेन कॉपी पे नहीं कर सकते, बता इतना हाई कैलकुलेशन होता है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, इसको आप विदाउट हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल। जब आप आईआईटीज में जाओगे तब आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके सिखाया जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको फील करा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये होता किस तरीके से। जनरली ये टॉपिक टीचर स्किप कर देता है, ठीक है, मतलब हर कोई बताता नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उस छोटे से लाइन को मैं आपको बहुत विस्तार के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नो डाउट ये जो टॉपिक है बहुत हार्ड टॉपिक है समझने में भी और समझाने में भी, बट आई एम गिविंग माय बेस्ट टू आपको, आपके बहुत अच्छे से फील आए। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आर डिस्टेंस पे, भाई वही इमेजिनेशन करना, मैं न्यूक्लियस हूँ, आप इलेक्ट्रॉन हो, क्लासरूम मेरा बाउंड्री है, ठीक है।
अगर मैं आर डिस्टेंस से सपोज करो यहाँ पे गया तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिला जिसकी प्रोबेबिलिटी कुछ मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे गया तो कुछ मिलेगी, यहाँ पे गया कुछ मिलेगी, यहाँ पे गया कुछ मिलेगी, यहाँ पे गया कुछ, बट अगर मैं आर लेंथ से ज्यादा जाऊंगा तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी जीरो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो जब ऐसे मैंने देखा तो मुझे बहुत सारे डॉट मिले, ठीक है, जब कंप्यूटर से हमने इक्वेशन से सॉल्व किया तो ये बहुत सारे मुझे क्या मिले, डॉट मिले। अगर आप गौर से देख रहे होगे, जब मैंने इसको दूर से देखा तो ये आपको कुछ स्फेयर टाइप का नहीं लग रहा, आप गौर से देखो, जब आप इसको दूर से देखोगे, एक्चुअली ये मैं डॉट कैसे कर रहा हूं, जब हमने कंप्यूटर में इसको इक्वेशन डाला मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और उस हर मैंने कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम फिक्स किया कि भैया जहां आपको प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा मिल रही है आपको वहां डॉट कर देना, जहां आपको प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा मिले आपको डॉट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे बहुत सारे डॉट मिले न्यूक्लियस के पास में, लेकिन ये किस वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो हमने स्टडी किया ये किस कितने वैल्यू के लिए किया, n इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए, एनर्जी शेल 1 था मेरा यहां पे। तो अब आपको दूर से समझ में आ रहा होगा कि एक स्फीयर टाइप का मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, स्फीयर टाइप का, समझना। इसी 3D स्पेस को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं, कि जहां मतलब बेसिकली ऑर्बिट का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कांसेप्ट, मैं मानता हूं कि मैंने पढ़ाया था, बट बेसिकली क्या था, ऑर्बिट जो था वो पुराने जमाने के था, ऑर्बिटल इज द लेटेस्ट एग्जांपल, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप जो भी बोल सकते हो आप अपने लैंग्वेज में, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सिर्फ ऑर्बिटल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता, नथिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो हमने पढ़ा था ऑर्बिट होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता भैया, सीधा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक 3D स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और फाइनली वो एक रिप्रेजेंट करता है 3D ज्योमेट्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्बिटल बोलते हैं। ये स्फेरिकल था तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का, क्या आया कॉन्सेप्ट मेरा ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल क्या है, इट इज द 3D, इट इज द 3D वॉल्यूम around the nucleus, 3D volume around the nucleus, it is a 3D volume around the nucleus in which the electron finding, in which the electron finding probability is मैक्सिमम, इज फाइनाइट एंड मैक्सिमम। एक बात और, ये वही स्पेस है जो न्यूक्लियस के अराउंड में रहता है, ठीक है। तो जब हमने n इक्वल टू 1 के लिए जब ये कंप्यूटेशन सॉल्व किया तो मुझे कुछ इस तरीके से पूरा फिगर मिला, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसा 3D वॉल्यूम जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइनाइट एंड मैक्सिमम है, उस 3D वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। बेसिकली ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो जो हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ऑर्बिटल का होता है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो ठीक है, यहां पे मैं समझा रहा हूं, n इक्वल टू 1 पे याद होगा तो मुझे कितना मिला था इक्वेशन, साई 1 मिला। तो जब मैंने साई 1 को सॉल्व किया, ठीक है, साई 1 को सॉल्व किया तो मुझे एक ऑर्बिटल मिला, वो क्या था, s ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। इस तरीके से कुछ इक्वेशन मिला मुझे, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं इसको व्हाइट से लिख देता हूँ, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीच में, और बाहर में मेरा क्या है, ऑर्बिटल है। तो कुछ इस तरीके से मुझे इक्वेशन सॉल्व करने पे मिला, ठीक है, नो डाउट साई 1 स्क्वायर को ही करके मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो ये बात समझ में, इस तरीके से मुझे शेप मिल रहा है, और ये शेप मेरे लिए कौन सा, इस एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बेटा, स्फेरिकल। देखो मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली ये सब बता सकता था, ठीक है, इट्स अ 2 मिनट, बट क्या फर्क पड़ता अगर हम थोड़ा 25 या 1.5 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके समझे कि आपको एक्चुअली ये आया किससे। तो ये समझ में आया बेटा कि एस ऑर्बिटल का शेप होता है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। जब एन इक्वल टू 2 किया गया तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिला, साई 1 साई 2। तो साई 1 साई 2 मतलब साई 1 तो अगेन मेरा क्या है, एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट। तो ऐसा फिर से इक्वेशन सॉल्व किया गया,
इक्वेशन फिर से सॉल्व किया गया। तब यहाँ पे क्या देखा गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करता है, डंबल शेप में देखा गया। कैसे देखा गया? डंबल शेप में। तो यहाँ पे उनको बहुत सारे डॉट डॉट डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था लेकिन इस तरीके से रैंडम मोशन में था, मतलब उनको इस तरीके से डॉट 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 मिला। तब पी ऑर्बिटल का शेप कैसा डिफाइन किया गया? डंबल शेप का डिफाइन किया गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए होंगे, ठीक है। अगेन एन इक्वल टू थ्री पे जब देखा गया, एन इक्वल टू थ्री पे, तो साई वन साई टू साई थ्री, तो एस पी डी, तो डी ऑर्बिटल का जो शेप देखा गया बेटा, डी ऑर्बिटल का जो शेप देखा गया वो कुछ इस तरीके से देखा गया, डबल डंबल शेप था। क्या था? डबल डंबल। और अगेन एन इक्वल टू फोर पे जब देखा गया, तो साई वन साई टू साई थ्री साई फोर, तो एस पी डी एफ। एफ के आगे भी होता है जी एच, बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ एफ तक ही पढ़ना है। एफ का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारे मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो और मैं यहाँ पे स्किप भी कर रहा हूँ। एफ ऑर्बिटल का डबल लाइफ होता है, ये आगे होता है, ऐसे चार पीछे भी होता है, सेम थ्री डी ज्योमेट्री होती है उसकी भी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। अब इसको समझाने के तौर पर मैं फिर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना, थोड़े समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थोड़ा हार्ड है बट एक बार लेट अस ट्राई, मतलब फिर से एक बार सोचने की कोशिश करिए। ये क्लासरूम है, ये n इक्वल टू वन है मेरे लिए, ये मेरे लिए पहला फ्लोर एक क्लासरूम, इमेजिन करिए पहला फ्लोर एक क्लासरूम, न्यूक्लियस में ही हूं, सेंटर ऑफ एटम कौन हूं मैं, न्यूक्लियस। स्टूडेंट मेरे लिए क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो समझिएगा n इक्वल टू वन पे, n इक्वल टू वन पे मैं न्यूक्लियस हूं। आसपास मैंने जब देखा गया, तो ऐसा जब मैं देखा तो मुझे शेप मिला एस का। जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया, ठीक है, तो अगेन एक क्लासरूम तो एन यहाँ एस के जैसा ही था, दूसरा क्लासरूम मुझे दूसरे के जैसा मिला, मतलब वहां पे मुझे दो क्लासरूम मिले, एक मुझे मिला नीचे वाले के जैसा, एक दूसरे शेप का मिला था जिसका शेप मैंने डिफाइन किया पी ऑर्बिटल का, ठीक है। अब मैं तीसरे फ्लोर पे जा रहा हूं, तो तब मैंने ये देखा कि दो क्लासरूम मुझे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जो मिले थे वो सेम जैसे थे, बट तीसरा क्लासरूम मिला वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का था, जो डबल डंबल शेप का था, डी था। और जब मैं फोर्थ फ्लोर पे गया, तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भैया इलेक्ट्रॉन देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहे, ये शेप जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये वही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इस इन्हीं रैपिड रैंडम मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब यहीं पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक है। तो जब मैं फोर्थ फ्लोर पे गया, तो मुझे चार चार क्लासरूम मिले, तो पहला तो पहले फ्लोर के जैसा था, दूसरा दूसरे फ्लोर के दूसरे कमरे के जैसा था, तीसरा कमरा जो था तीसरे फ्लोर के तीसरे कमरे के जैसा, मतलब थ्री का थ्री, थ्री के डी ऑर्बिटल जैसा, टू का पी ऑर्बिटल के जैसा, वन का एस ऑर्बिटल, तो चौथे में मुझे चार क्लासरूम मिले एस पी डी एफ। तो इस तरीके से हमने चारों ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट निकाले। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहां तक, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं n equal to 1 पे मुझे सिर्फ s मिला, n equal to 2 पे मुझे क्या मिला s p, n equal to 3 पे मुझे क्या मिला s p d, n equal to 4 पे मुझे क्या मिला s p d f, n equal to 5 पे मुझे क्या मिला s p d f g, ठीक है। अब समझना, इनको अलग अलग पहचानने के लिए मैंने यहां पे n की वैल्यू जोड़ दी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब जो न्यूक्लियस के पास मुझे सबसे पहला ऑर्बिटल मिलता वो मुझे 1s मिलता है, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस के थोड़े दूर जाने के बाद मुझे कौन सा ऑर्बिटल मिलता है 2s और 2p। इनको अलग अलग पहचानने के लिए, अलग अलग नाम देने के लिए मैंने इनके n की वैल्यू आगे जोड़ दी। तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। Now, S का मतलब होता है शार्प, क्या होता है शार्प। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल। D का मतलब होता है
डिफ्यूज्ड, ठीक है। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, क्या होता है फंडामेंटल, और जी का मतलब होता है डीजनरेटेड, ये इनके नाम है, ठीक है, डीजनरेटेड इनके नाम है। तो यहाँ तक प्यार बच्चा आपको समझ में आ गया होगा हर चीज, तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, आपको फील आ गया होगा कि आखिर कैसे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिट वगैरह सब पुराने कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। एक्चुअल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कारण ऑर्बिटल होता है, उनके शेप के अकॉर्डिंग हम उन चीजों को डिफाइन करते हैं। किसी पहला ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, दूसरा ऑर्बिटल का शेप हो, दूसरे ऑर्बिटल का होता है डंबल, डंबल शेप होता है। डी का ऑर्बिटल का क्या होता है, डबल डंबल होता है। एफ का होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो हम उतना ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, ठीक है नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि अगर मैं बात करूं रेडियल, अगर मैं देखो, याद होगा मैंने जो साइज स्क्वायर में दो फंक्शन बताए थे, याद होगा आपको, ठीक है। एक था मेरा आर स्क्वायर आर, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एक था मेरा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, तो वो मेरे लिए क्या था, आर स्क्वायर आर, ये मेरा था। अगर मान लो इसी को मैंने आर स्क्वायर आर को मैंने डीवी से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, डीवी, तो मेरा वॉल्यूम कट जाएगा, तो अगेन ये सिर्फ मेरे लिए क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी होगा, सिर्फ मेरे लिए क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं एंगुलर फंक्शन नहीं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये मैं समझा रहा हूं कि इसका और इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, देखो आपके एनसीईआरटी में लास्ट के पेजेस में बहुत सारे ग्राफ है, उसी ग्राफ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो ग्राफ बने कैसे। चाहता तो मैं उस ग्राफ को डायरेक्टली बता सकता हूँ, बट यू शुड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो ग्राफ कैसे है। अगेन ये मेरा क्या है, सपोज करो ऐसे देखो, इसको 3D में बता, सपोज करो एक्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, मान लो r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, r डिस्टेंस पे क्या है इलेक्ट्रॉन, अभी मैं एंगल वगैरह नहीं मान के चल रहा क्योंकि मुझे एंगल और नॉट से कोई मतलब नहीं है, सॉरी नॉट्स नहीं, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं फिलहाल, मुझे मतलब इन्हीं चीजों से। तो मैंने अगर ये r फंक्शन है, ठीक है, तो मैंने एक dv वॉल्यूम लिया, मतलब मैंने अगर ऐसा वॉल्यूम जो बहुत ना के बराबर हो, तो कुछ इस तरीके से वो वॉल्यूम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस वॉल्यूम में लाई कर रहा है, इस सेकंड पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ना मेरे लिए, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस इसमें लाई कर रहा है मेरा, इस dv वॉल्यूम में, ठीक है, इस जगह पे मेरा इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, ये लेंथ dr माना मैंने, क्या माना, लेंथ dr माना, समझो, ठीक है। अगर मैं बात करूं dv, मेरे लिए एक्चुअल में dv क्या होगा, तो dv समझो, अगर मैं बात करूं इस वॉल्यूम को इस पूरे वॉल्यूम से घटा दूं, तो मुझे ये यूनिट, ये छोटा वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहीं पे मिलेगी मुझे, तो उसके लिए मुझे ये dv वॉल्यूम चाहिए, तो dv वॉल्यूम आपके लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r प्लस dv का dr का होल क्यूब प्लस 4 माइनस, बड़े वाले को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, अब 4/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई इसको मैं लिख सकता हूं आर क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, आर क्यूब प्लस बी आर क्यूब प्लस आर प्लस dr r plus dr, इसको लिख सकता हूं मैं, सॉरी 3rdr, सॉरी माय मिस्टेक, 3rdr r plus dr, ये a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला है, 4/3 पाई r क्यूब। अब प्यार बच्चे समझो, ऑलरेडी dr मेरा बहुत छोटा लेंथ है, तो dr स्क्वायर और भी छोटा लेंथ होगा, और dr क्यूब और भी छोटा लेंथ होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि dr स्क्वायर टेंस टू जीरो, और dr क्यूब भी मेरा क्या होगा, टेंस टू जीरो,
tends to zero. Now look at here, 4/3 pi, ठीक है. Now ये cancel हो जाएगा, r cube बचेगा मेरा, ठीक है, 3r square हो जाएगा. ये क्या होगा, प्लस dr square कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3r square dr, ठीक है, और 4/3 pi मैंने ये माइनस 4/3 pi r cube. अब 4/3 pi कॉमन ले लिया मैंने, तो r cube प्लस 3r square dr माइनस r cube, तो r cube मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे लिए dv वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 pi r square dr. दिस इज योर dv वॉल्यूम, ठीक है. और मैं अगर बात करूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो दैट इज योर एग्जैक्ट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, pd लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, r square r, 4 pi r square dr. तो दिस इज योर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. आई बस समझ में, तो ये एग्जैक्ट आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मैं आपको फील भी करा दे कि एक्चुअली ये आया कैसे, ठीक है. नाउ लिसन, अगर मैं बात करूं, नाउ जो मैंने इक्वेशन बनाई थी आपको याद होगी थोड़ी बहुत, ठीक है. अब यहां पे क्या करते हैं हम, n इक्वल टू 1 के लिए याद होगा मुझे साई 1 मिला था. क्या मिला था, साई 1 मतलब दिस इज नथिंग बट 1s. 1s के लिए ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, तो उसका मैं एक डायरेक्ट फंक्शन लिख दे रहा हूं, rr, मतलब रेडियल फंक्शन जो होगा 1s के लिए, वो एक्चुअल में जो ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं आपको याद नहीं रखनी है, जस्ट मैं आपको लिटिल बिट आइडिया दे रहा हूं. n इक्वल टू 1 में साई इक्वल टू 1 था, जिसको हमने 1s बोला था इसी फंक्शन को, मतलब इस ऑर्बिटल को हम, सॉरी साई 1 पे मुझे कौन सा ऑर्बिटल मिला था, 1s. तो 1s का भी एक अपने रेडियल फंक्शन होगा rr. तो इस रेडियल फंक्शन जो सॉल्व करने पर जो मुझे मिलता है बेटा, वो मिलता है 2/a0 3/2 e^-σ/2, वेयर ए नॉट तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है. ए नॉट मेरा क्या है, कांस्टेंट है. एंड अगर मैं बात करूं विच इज इक्वल टू नथिंग बट h^2/4π² m k e^2, ठीक है. नाउ अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सिग्मा आपके लिए हो जाएगा 2rz/n a0. सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2rz/n a0, ठीक है. नाउ ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.529 भी आती है, ये आपको मैंने रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट बताया हुआ, ठीक है. नाउ ठीक है, अगर मैं बात करूं, दिस इज रेडियल फंक्शन ऑफ 1s. ठीक है, अगर मैं बात करूं 2s के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2s के लिए, तो रेडियल फंक्शन ऑफ 2s जो हो जाएगा वो मेरा इक्वेशन बनता है 1/√2 a0^3/2 into 2 minus sigma e ka power minus sigma by 2. तो दिस इज योर फंक्शन रेडियल, ये 2s के लिए रेडियल फंक्शन होता है मेरा, दिस इज फॉर रेडियल फंक्शन ऑफ 2s, ठीक है. नाउ rr ऑफ 3s, ये मेरे लिए कितना इक्वेशन बनता है, rr ऑफ 2s हो गया. नाउ 2p, रेडियल फंक्शन ऑफ 2p का इक्वेशन जो मुझे मिलता है 1/, ये बेटा समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कहां से मिला, इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा फंक्शन को, rr किसके, 1s के लिए जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली, 2s के लिए सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली. ये आपको याद नहीं करनी है, डोंट वरी, ये आपको याद नहीं करनी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो इसके बाद में ग्राफ आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आए. तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, तो 2p का 2√6a0 3/2 sigma into e^-σ/2. Now rr of 3s is equal to, that's nothing but
1 by 9 root 3 a नॉट का पावर 3/2 a नॉट का पावर 3/2 इनटू 6+6 सिग्मा सिक्स माइनस सिक्स सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर तो दैट इज योर इक्वेशन इनटू 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 ई का पावर माइनस सिग्मा बाय टू तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ 3s नाउ r r of 3p equation become 1 by 9 root 3 a naught ka power 3/2 a naught ka power 3/2 4 minus sigma into sigma e raised to minus sigma by 2 this is not sigma by 2 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो जब मैं डिक्टेट करता हूँ तभी चीजें आप नोट डाउन करने की कोशिश करा करिए ठीक है r r of 3d that's nothing but 1 by 9 root 3 a naught by 3/2 into sigma square in e का पावर माइनस सिग्मा बाय टू तो दैट इज द इक्वेशन मतलब आप देख भी रहे हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आया तो मैंने जस्ट डायरेक्ट आपको रेडियल फंक्शन का इक्वेशन लिख के दिया कि आखिर जब उनको सॉल्व किया गया फर्दर तो ये क्या इक्वेशन मिला है तो मैं अब यहाँ पर कुछ आपको ग्राफ करने सिखाऊंगा ठीक है नाउ 1s के लिए पहले हम ग्राफ सीखेंगे इनका एक ग्राफ है पहला ग्राफ है रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का दूसरा ग्राफ है आर स्क्वायर आर का तीसरा ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर आर 4πr² ठीक है आर स्क्वायर आर मतलब रेडियल फंक्शन वर्सेस आर आर स्क्वायर आर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर और आर ये सिर्फ क्या होगा प्रोबेबिलिटी क्योंकि जब आप डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ये क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर ठीक है 1s के लिए 1s के लिए मेरे इक्वेशन समझे बात को अगर मैं rr का इक्वेशन की बात करूं तो r तो एक्चुअली ये तो कांस्टेंट है r के वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी e के ऊपर डिपेंड करी e में भी क्या है सिग्मा है दिस इज सिग्मा तो सिग्मा के वैल्यू किस पर डिपेंड करी देखो बेटा फिर से मैं बोलो ये r पे डिपेंड करी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मतलब कहीं ना कहीं r की वैल्यू डायरेक्ट r पे डिपेंड कर रही अब समझना बात को अगर मैंने r की वैल्यू 0 रखी तो e का पावर समथिंग 0 1 होता है तो दैट्स मतलब 0 की वैल्यू पे कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट मिलेगा मतलब ये है कि ग्राफ तो आपका एक्सपोनेंशियल ही रहेगा बट जहां आपका ऐसे स्टार्ट होना चाहिए था वो आपका कुछ यहां से स्टार्ट होगा समझ में आ रही बस यहां तक रहेगा ये ग्राफ यहीं तक रहेगा क्योंकि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है तो आर आर का समझ में आया आर वन एस का समझ में आया आपको ये पॉइंट अब इसी चीज को स्क्वायर कर दो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ इसी चीज को स्क्वायर कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं सेम इक्वेशन रहेगा सेम ग्राफ रहेगा तो अगेन ये ग्राफ कैसा रहेगा कुछ ऐसा ही रहेगा ठीक है अगेन ये वैल्यू क्या रहेगी सेम जैसे रहेगी फिर जो अगेन ये जीरो पे आप इतना ही आपको मिलेगी क्या हो जाएगा देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आर स्क्वायर पे क्या हो जाएगा इसको स्क्वायर कर दो तो 4 by a naught का पावर 3 इनटू e का पावर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस सिग्मा बट ऑलमोस्ट इक्वेशन कैसा रहेगा एक्सपोनेंशियली रहेगा तो कुछ ऐसा ही ग्राफ रहेगा सेम ग्राफ हाँ लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो थोड़ा ग्राफ डिफरेंट रहेगा कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करो आप अगर मैं बात करूं ग्राफ की समझो आर स्क्वायर आर इंटू 4πr² एक्चुअल में मैंने पहले स्क्वायर स्क्वायरिंग किया तो 4 by a naught का पावर ये इक्वेशन जो बनेगा 3 e का पावर माइनस सिग्मा ठीक है तो इंटू 4πr² ये r को मैंने पहले स्क्वायरिंग किया इसके साथ मैंने 4πr² मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये मेरा कैसा बन जाएगा वेरी गुड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ठीक है नाउ
अब अगेन आर की ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, आर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली पहले तो एक्सपोनेंशियली के पावर पे डिपेंड करता था, अब डायरेक्ट आर पे डिपेंड कर रहा, मतलब आर पे डिपेंड कर रहा ना, मैंने डायरेक्टली भी डिपेंड कर रहा। अगर आर की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे वैल्यू क्या, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब आर की वैल्यू जीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, जब आर की वैल्यू जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये पहाड़ी वाला ग्राफ होगा, समझ में आया। कभी भी प्रोबेबिलिटी का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ पहाड़ी वाला होता है, रेडी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, और रेड ये क्या नाम है, रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहां तक आपको बात थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ अब आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है इसमें, कि जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 0.529। इस पॉइंट पे ऐसा पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। मतलब कुछ इस तरीके से मैं अगर बात करूं, ये एस है, ये एस है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो मतलब कुछ यहां पे एक ऐसा पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रॉन की पानी की डेंसिटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी, और ये 0.529 वैल्यू आती है। तो नो डाउट बोर का भी कहीं हद तक बातें सही थी, वो पूरी तरीके से गलत वो भी नहीं था। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर होगी। देखो फिर से मैं रिपीट करूँ, मैं चाहता इस पूरे टॉपिक को स्किप करके डायरेक्ट आपको ग्राफ बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कि आपको थोड़ा फील आना चाहिए। जनरली मैं ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ पूरे डिटेल में, बट आप थोड़ा ऑनलाइन में भी, आप जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा जो, बट समझने की कोशिश करिएगा। लगे तो एक दो बार आप फिर से लेक्चर रिपीट कर सकते, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं इस इतने 0.529 डिस्टेंस में वो एरिया होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, दिस इज ठीक है, ये ग्राफ आपने उतार लिया क्योंकि इक्वेशन की जरूरत है मुझे, इसलिए मैं इक्वेशन रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लिए हो गया 1s का ग्राफ, ये भी रब कर दे रहा हूँ मैं, ये भी कोई यूज नहीं है मेरे लिए, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ 2s के ग्राफ की, किसकी बात कर रहा हूँ, 2s की, अगेन इसमें भी तीन ग्राफ होंगे। एक होगा मेरा रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का, एक होगा मेरा रेडियल सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का होगा, और एक ग्राफ जो होगा मेरा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का। नाउ अब देखो यहाँ पे 2s का ग्राफ है 2 माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे अगर आप आर पे डिपेंड करता है, जब आर की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये वैल्यू भी पूरी की पूरी की है। मतलब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसा जहां पे ये पूरा फंक्शन जीरो होगा। अगर सिग्मा की वैल्यू मैंने 2 रखी, सिग्मा डिपेंड किस पे करता है बेटा, आर पे। अगर सिग्मा की वैल्यू 2 है तो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा कट करेगा, मतलब क्योंकि जब जीरो रखेंगे तो कुछ ना कुछ ये कॉन्स्टेंट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप 2 पे आएगा, जब ये आर की वैल्यू 2 पे टच करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा कट करते हुए ऐसा निकलेगा। मतलब इट विल नॉट टच दिस लाइन, इट विल नॉट दिस टच लाइन, क्यों, आर इक्वल टू 2 पे, आर इक्वल टू 2 पे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा, जीरो हो जाएगी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट, इस 2 पॉइंट पे ये पूरा नीचे से कट करते हुए निकलेगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अगेन प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगेन ग्राफ तो कुछ ऐसा ही रहेगा। जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब आप स्क्वायर कर देते हो तो नेगेटिव वैल्यू भी कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो समझ रहे हैं बात, मतलब ये होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा 2s के अंदर जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। उस जगह पे उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। और जिस एरिया पे, फिर से रिपीट कर रहा, जिस एरिया पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, तो उस एरिया को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नोड बोलते हैं। डोंट वरी, आपको फील कराऊंगा मैं,
तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, ठीक है, नोड्स की बात करूं मैं, तो नोड मैं लिख ही देता हूं यहां पे, एक्चुअली इट इज दैट एरिया, इट इज दैट एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। जहां जिस एरिया पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो जाए वो मेनली नोड होता है। नोड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड होता है, अगर आप रेडियस के अलोंग जा रहे हो तो भी आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और अगर आप एंगल्स के थ्रू भी जाते हो तो भी आपको एक एंगुलर नोड मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आई बात बेटा? तो ये इस तरीके से ये नोड होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ 4πr² Now, this RS2S हो गया। नहीं, ये ग्राफ नहीं है एक्चुअली आपके पास। अगर मैं बात करूं टोपी की, टोपी ग्राफ की बात करूं तो टोपी का ग्राफ भी अप्रोक्सीमेटली सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका एक ग्राफ जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। कौन सा? ग्राफ हुआ ऐसा, एक मिनट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, नाउ लिसन, ठीक है। अगर बात करो 4π² जी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है बेटा। दिस इज ग्राफ फॉर 3s, ठीक है। 3s का दोनों ग्राफ कैसा रहेगा? सेम रहेगा। 3s के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 3s के ग्राफ में देखो अगेन e का पावर एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा, और ये कहाँ पे टच करेगा? 3s का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही रहेगा, माइट बी, हाँ 3s का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। और दूसरा, अगर ये ग्राफ दोनों सेम रहेंगे, बट अगर ऐसा ग्राफ रहेगा कुछ, ये 3s का ग्राफ मैं आपको कल बताता हूँ इसका, ठीक है, ये ग्राफ। बट 4π² d² का ग्राफ जो होगा इसका, 3s का 4π² d² ग्राफ, ये कुछ ऐसा रहेगा। क्यों बेटा? समझो बात को। नहीं, ये 2s का ही ग्राफ है, सॉरी 2s का ग्राफ है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आया, किसका? 4π² r² का ये ग्राफ, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2s का ही ग्राफ है। 2s का एक ग्राफ r² और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये ग्राफ कुछ डबल पहाड़ी जैसा आएगा। क्यों आएगा समझना बेटा बात को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन था, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। ये मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और दिस इज प्रोबेबिलिटी का, समझो बात को। मान लो ये अगेन सेंटर है, कोऑर्डिनेट में समझाता हूं मैं। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। आप हमने ऑब्जर्व ये किया था कि 1s के ग्राफ में, 1s के ग्राफ में आपको हर तरफ इलेक्ट्रॉन मिला था। आपको क्या मिला था? हर तरफ इलेक्ट्रॉन मिला था। मिला था कि नहीं मिला था, मतलब वहां पे एक भी नोड ऐसा एरिया नहीं था जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी नहीं मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं 2s की, जिसकी बात करूं 2s की, तो 2s में एक ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, ये मेरा क्या हो गया? न्यूक्लियस। और अगेन मेरा ये यहाँ पे 2s का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। 2s का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, समझो बात को, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भैया यहाँ पे हर जगह ऐसा होगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है समझो बात को। ये 2s का ग्राफ था, ये हमने दिया। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक जरूर ऐसा पॉइंट आएगा, देखो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं इसको थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो मैं रब किया हूं वही आपके लिए क्या है? नोड है। दिस इज योर नोड। बात को समझना, देखो दिस इज 2s ग्राफ फॉर प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब समझो
पहला इलेक्ट्रॉन आपको जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है 2s का, वो आफ्टर द नोड मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ आपको इस जगह पे मिलेगा आफ्टर द नोड। ये आपके लिए नोड हुआ, ये जो आपके लिए है बेटा, ये जो है नोड आपके लिए 2s के अंदर क्या है, नोड है। इस नोड के बाद ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की क्षमता ज्यादा है, तभी तो इस नोड के बाद देखो प्रोबेबिलिटी अचानक से बढ़ी है, बढ़ी है। तो यहां के बाद आपको यह मिलेगा, बट इस नोड के बाद ही इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर ज्यादा मिलेगा। अब समझना ये किस तरीके से होता है। अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने अगर ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको कैसे रिप्रेजेंट किया। देखो एक्चुअली में ग्राफ किस तरीके से रहता है, ये किसका, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या हो जाता है, पहला एक पहाड़ी, एक देखो जब कुछ भी नहीं था 1s में तो सिर्फ एक पहाड़ी था, तो एक 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 ही पहाड़ी में मेरा ग्राफ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नोड है, तो पहले एक नोड पे एक पहाड़ खत्म होगा, फिर दूसरा पहाड़ चालू हो जाएगा। ये मैं एक जनरल आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब आप समझो इस नोड के ही बाद प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, मतलब अगर ये 2s का ऑर्बिटल है तो यहाँ पे अगर मेरा कुछ अगर नोड है, इस नोड के बाद ये एरिया जो होगा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है बेटा? समझो अगर मान लो मेरा सपोज करो कुछ इस तरीके से है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये मेरे लिए 1s हो गया, अब दूसरा 2s मेरा इधर होगा, ठीक है, ठीक है, तीसरा मेरा क्या हो जाएगा 3s। अब हर s ऑर्बिटल को आप न्यूक्लियस के अराउंड इमेजिन करो तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, भैया ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया। समझो 1s में तो भैया एक भी नोड नहीं था, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोबेबिलिटी यहां पे होगी, ठीक है। 2s में क्या था, 2s में समझो बात को, आपको याद होगा यहां से यहां मेरा क्या, आपको याद होगा वो ग्राफ कि ये यहां से यहां मेरा क्या है, पूरा 2s है। तो इस जगह पे अब ये जो नोड मिलेगा वो आपको कहां मिलेगा बेटा, मान लो कहने का मतलब समझने की कोशिश करो कि ये मेरा 1s है, ये मेरा 1s इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहां, बट इस बाउंड्री पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, यस। तो यही बाउंड्री मेरे लिए किसका काम करता है, नोड का काम करता है, किसका काम करता है, नोड्स का काम करता है। और ये अगेन 2s का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अगेन 3s के लिए कितने नोड हो जाएंगे, एक और दो नोड हो जाएंगे। तो अगेन 3s का, अगर मैं 3s का ग्राफ प्लॉट करूंगा ऐसा, तो पहले एक ऐसा रहेगा, फिर एक ऐसा रहेगा, फिर एक ऐसा रहेगा, ये कुछ इस तरीके से, डोंट वरी कल मैं बताता देगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा। मतलब हर नोड के बाद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मिलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ रहेगा। अगर आप पी को भी इमेजिन करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो एक पी, टू पी ऐसा रहेगा, थ्री पी ऐसा रहेगा, फोर पी ऐसा रहेगा। अब इन हर ऑर्बिटल को आप एक ही एटम में इमेजिन करो कैसा लगेंगे, दैट्स इम्पॉसिबल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बट समझने की कोशिश करो कि 1s में हर जगह पे था, बट बाउंड्री पे नहीं था मेरा, एक्सेप्ट बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन मेरे क्या थे? आपको याद होगा मैंने होलोस्फेयर का एग्जांपल दिया था, होलोस्फेयर के अंदर इंसेक्ट था, इंसेक्ट बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑन द बाउंड्री जीरो होगी, मेरी बाउंड्री पे जीरो। तो यही मेरे लिए 2s का नोड हुआ, ये 1s का बाउंड्री 2s के लिए नोड होगा मेरे लिए, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग्स ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फॉर 2s जीरो। तो यहां से जैसे बढ़ूंगा तो इस इलाके में इलेक्ट्रॉन 2s के लिए मुझे मिलेंगे, और 3s के लिए ये 2s का बाउंड्री क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। इसलिए 3s के अंदर टू नोड्स होते हैं, 1s वाला, अब आपको थोड़ा बहुत नोड का आइडिया हो गया होगा, आई होप सो। बाकी चीजें हम पूरा कर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आई होप सो, प्लीज एक बार रिविजन करिएगा इसको अच्छे से, ताकि आपको कल और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमारे सिर्फ 2 घंटे का और लेक्चर बचा, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा।